हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आज हम MBBSC क्रैश कोर्स का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। क्लास 14 है हमारी और उसमें हम सभी नोबल पुरस्कार याद करेंगे। देखिए, नोबल पुरस्कार जो हर क्षेत्र में मिलते हैं बहुत कठिन नाम होते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी नाम होते हैं और हमको थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको ट्रिक वाइज करेंगे तो हमको जल्दी से याद हो जाएगा। सबसे पहले, अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसका इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। साथ ही आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जी की विद आकांक्षा से आपको ये मिल जाएंगे और फेसबुक ग्रुप और उनकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में। तो मेडिसिन के क्षेत्र में सबसे पहले मिला है पीटर जे रेडक्लिफ को, जी कैलिन जूनियर को और ग्रेग एल सेमेंजा को। जो पीटर जे रेडक्लिफ हैं ये ब्रिटेन के हैं और विलियम जी कैलिन जूनियर और ग्रेग एल सेमेंजा ये अमेरिका के हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कैंसर और एनीमिया जैसे रोगों के इलाज के लिए इन्होंने एक औषधि बनाई थी जिससे चलते इनको ये प्राइज़ मिल रहा है। तो इसमें खोज की थी इन्होंने इसके इलाज के लिए। तो इसके कारण पीटर जे रेडक्लिफ, जी कैलिन, ग्रेग एल सेमेंजा कुछ किस्सा में क्षेत्र में मिला। अब हम इसकी एक ट्रिक बनाते हैं। जो पीटर जी हैं कल विलियम जूनियर के साथ हॉस्पिटल गए, और वहाँ पे उनने ग्रे सैम देखी। हॉस्पिटल गए मतलब हॉस्पिटल से चिकित्सा है ना, हॉस्पिटल का यहाँ पे मेरा इंटेंशन था चिकित्सा। तो पीटर जी कल विलियम जूनियर के साथ हॉस्पिटल गए मतलब चिकित्सीय कराने गए, वहाँ उन्होंने ग्रे सैम देखी। ये सभी आपको सिंबल कहाँ जहाँ पे आपके ऑप्शन में मिल जाए समझ लीजिए वह चिकित्सा क्षेत्र का आपका नोवल है। अब हम देखते हैं रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में तीन लोगों को मिला है, जॉन वी गुडेनफ, एम स्टैनली विटिंगम, अकीरा योशिनो। तो यहाँ मैंने जो ट्रिक्स पहले आपको देख लो, इन्होंने लिथियम की बैटरी में लिथियम का घोल को डालने के लिए कुछ शोध किया है तो जिसके चलते इन तीनों को अवार्ड मिला है। जो अकीरा योशिनो है नाम से ही समझ में आ रहा है जापान की हैं, और जॉन वी गुडेनफ और एम स्टैनली विटिंगम है ब्रिटेन के और जॉन वी गुडेनफ है अमेरिका के। तो इसको कैसे याद करना? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ये अकीरा नाम की एक लड़की है, अकीरा योशिनो को हमने एक लड़की बना और अकीरा जो है वो रसायन के परीक्षा देने गई है। अकीरा रसायन की परीक्षा देने गई है, अकीरा फिजिक्स की नहीं गई है, अकीरा रसायन की परीक्षा देने गई है और गुड इनफ उसको नंबर मिले हैं। अकीरा रसायन की परीक्षा देने गई है, गुड इनफ उसको नंबर मिले हैं, लेकिन उसे एम ग्रेड मिला है क्योंकि उसने वाइटनर का यूज़ कर दिया था। अकीरा रसायन का पेपर देने गई, उसको गुड इनफ मार्क्स मिले, लेकिन उसको एम ग्रेड मिली क्योंकि उसने वाइटनर का यूज़ कर दिया था। तो यहाँ से अकीरा का आपका आ जाएगा अकीरा योशिनो, रसायन से रसायन का क्षेत्र आ जाएगा, गुड इनफ से जॉन भी गुड इनफ हो जाएगा और एम ग्रेड से और वाइटनर से एम विटिंगम हो जाएगा। तो ये आपका रसायन क्षेत्र का हो जाएगा। तो रसायन क्षेत्र के गॉड, जॉन भी गुड इनफ, एम स्टेनली विटिंगम, अकीरा योशिनो। अब हम पढ़ते हैं भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में तीन लोगों को मिला, जेम्स पीवल्स, मिसेल मेयर और डीडियर कोयलोज। जेम्स पीवल्स, मिसेल मेयर, डीडियर कोयलोज।
नहीं, मिसाइल तो याद ही रहेगा, फिजिक्स में मिसाइल होती हैं, साबुन बनाते हैं तो ये तो याद रहेगा। फिर भी ट्रक बना दी है मैंने इनको, ये पुरस्कार मिला है सौर मंडल के बाहर ग्रह का पता लगाने के लिए मिला है। तो जेम्स पीबल्स अमेरिका के थे, मिसाइल मेयर स्विट्जरलैंड के हैं, और डीडियर क्विलोज कनाडा के हैं। तो हम यहाँ पे जेम्स एक लड़का है और डीडियर यहाँ पे डीडी चैनल है। तो जेम्स क्या है, भौतिक पढ़ रहा था, जेम्स भौतिक पढ़ रहा था, तभी उसको पानी पी, तभी उसने पानी पिया, तो पी से आ जाएगा पानी। तो जेम्स ने पानी पिया फिजिक्स पढ़ते समय, भौतिक के क्षेत्र में पानी पिया, तो उसमें बल्स, तो उसने देखा कि पानी में बबल से पड़ रहे थे, वल्स पड़ रहे थे, तो पी वल्स, जेम्स पी वल्स, जेम भौतिक पढ़ रहा था तो उसने देखा, भौतिकी में उसका मन वही जा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने देखा कि उसने पानी की तरफ देखा तो उसमें वो बबल के बारे में ही पढ़ रहा था, तो उसको बबल दिखाई दिए। फिर उसने उन बबल को मैस किया कि ये क्यों उठ रहे हैं बबल्स, उसने मैस किया तो मिसेल, फिर उसने उसको मैस किया और फिर मिलाया, मैस करके फिर मिलाया तो मिसेल मेयर हो जाएगा, मैस करके मिलाया तो मिसेल मेयर हो जाएगा। फिर उसने डीडी चैनल लगाया, डीडी चैनल मतलब डीडीअर हो जाएगा, डीडी चैनल का मतलब क्या हो जाएगा, डीडीअर हो जाएगा। जेम्स भौतिक पढ़ रहा था तभी उसने पानी पिया, उसे बबल्स दिखाई दिए, फिर उसने मैस को किया, मैस मिलाया और फिर डीडी चैनल चलाया। तो ये आपका हो गया भौतिकी के क्षेत्र में। फिर है साहित्य के क्षेत्र में, देखिए लास्ट ईयर 2018 में साहित्य का दिया नहीं था, तो अभी 2018-2019 दोनों का एक साथ दिया है। तो पीटर हैंड के ऑस्ट्रेलिया और ओल्गा टोकारकजुक को पोलैंड को ये दिया गया है, पीटर हैंड के और ओल्गा टोकारकजुक को ये दिया गया है। पीटर और ओल्गा साथ पढ़ रहे थे साहित्य, पीटर और ओल्गा साथ पढ़ रहे थे साहित्य, तो ऐसे करके याद कीजिएगा, पीटर 2019, ओल्गा 2018, पीटर और ओल्गा साथ पढ़ रहे थे साहित्य। शांति के क्षेत्र में किसको दिया है, शांति के क्षेत्र में अबी अहमद अली को दिया गया है, और ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। शांति के क्षेत्र में अबी अहमद अली को दिया गया है, इसे ऐसे याद रखिएगा, इथियोपिया के पीएम शांत रहते हैं। इरीट्रिया के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए इनको ये प्राइज़ मिला था, तो शांति के क्षेत्र में अबी अहमद अली को मिला, और ये थी अपिया के पीएम शांत रहते हैं, ऐसे करके इसको याद कीजिएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको दिया, तो अभिजीत बनर्जी को दिया। यहाँ पर मैंने जब ट्रिक बनाऊँगी, अभिजीत जो गाना गाते हैं उनको लेके बनाऊँगी मैं, ये अभिजीत, तो अभिजीत ने गरीबी मिटाने के लिए इसने उन्होंने शोध किया है, और अभिजीत बनर्जी के साथ उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को भी अवार्ड दिया गया है। अभिजीत बनर्जी का उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को भी यह अवार्ड दिया गया है। तो अभिजीत बहुत अर्थ कमा रहा है, अर्थ मतलब होता है पैसा, अपनी पत्नी एस्थर के साथ और माइकल को भी दे रहा है, अपनी पत्नी एस्थर के साथ और माइकल को भी दे रहा है। तो ये अर्थशास्त्र की ट्रिक हो गई फ्रेंड्स, ये थे हमारी आज की ट्रिक। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, चिकित्सा के क्षेत्र में पीटर जी कल विलियम जूनियर के साथ हॉस्पिटल गए, वहाँ उन्होंने ग्रे सैम देखी, पीटर से पीटर जी रेडक्लिफ, कल से जी कैलिन और ग्रे सैम से ग्रे सैमंजा। फिर है रसायन के क्षेत्र में, अकीरा ने रसायन का पेपर दिया, उसको गुड इनाफ मार्क्स मिले, लेकिन उसको एम ग्रेड मिली क्योंकि उसने वाइटनर लगा दिया था। फिर भौतिकी के क्षेत्र में क्या है, वो जो जेम्स है वो भौतिकी पढ़ रहा था तभी उसको प्यास लगी, उसने पानी पिया, पिया नहीं पिया तो उसको बबल्स देखे, बबल्स को उसने मैस किया और मिलाया, फिर उसने डीडी चैनल लगाया। तो ये भौतिकी के क्षेत्र में हो गया। साहित्य के क्षेत्र में पीटर और ओल्गा एक साथ पढ़ रहे थे साहित्य को। फिर दिया शांति के क्षेत्र में अबी अहमद अली को दिया गया, इथियोपिया के पीएम है, इथियोपिया के पीएम हमेशा शांत रहते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी को दिया गया, गरीबी मिटाने के लिए एस्थर डुप्लो माइकल क्रेमर, अभिजीत बहुत अर्थ कमा रहा है, अपनी पत्नी एस्थर के साथ और माइकल को भी दे रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे ट्रिक। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मुझे फॉलो करती रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी पुराने वीडियोस देखिएगा जो मैं इस MBBSC क्रैश कोर्स के लिए बना रही हूँ, बहुत ही यूज़फुल हैं आपके लिए। मैं वेद पढ़ा चुकी हूँ, मध्य प्रदेश के बहुत टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ा चुकी हूँ, मध्य प्रदेश का इतिहास, और इतिहास के भी मैं बहुत से
टॉपिक जैसे कि आपका मगध साम्राज्य है, तो इन सबको मैं पढ़ा चुकी हूँ बहुत सरल शब्दों में, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। और आपके मैं देखिए वही टॉपिक लिख, जैसे कि मैं नोबेल पुरस्कार लेके आई हूँ तो मैं वही टॉपिक लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनसे क्वेश्चन एक तो बनना ही है क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमको बहुत स्मार्ट स्टडी करनी है, वही पढ़ना है जो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो, फालतू चक्करों में पूरा पढ़ने का कोई अभी सेंस नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देखेंगे तो मैं और से ज़्यादा वीडियो आपके लिए ला पाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।